बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसलाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट से यकम मुहर्रमुल हराम का जुलूस निकाला गया। हमारे जनरल रिपोर्टर सईद इकबाल के मुताबिक यकम मुहर्रमुल हराम का जुलूस चेयरमैन सैयद जाफर हुसैन नकवी, मिर्ज़ा नदीम अख्तर शाह और दीगर अहदेदारान की ज़ेर निगरानी बरामद हुआ, जो कि डिगलसपुरा से होता हुआ जंग बाज़ार के रास्ते घंटाघर पहुँचा, जहाँ पर मातम और जंजीर जनीबी हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि ज़िला इंतजामिया रज़ाकारों उलमा-ए-किराम सियासी और गैर सियासी अकाबरीन ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा की। जबकि आज अलसुबह चेयरमैन मुबशर हुसैन नकवी, पप्पू शाह, मिर्ज़ा नदीम और दीगर अहदेदारों की ज़ेरे निगरानी मरकज़ी इमाम बारगाह धोबी घाट में मौलाना हामिद रज़ा आबदी ने बारा सादकीन के हवाले से खताब भी किया। इस हवाले से देखते हैं हमारे जनरल रिपोर्टर सईद इकबाल की ये रिपोर्ट। चलाने के जो दावेदार हैं उनसे मैं गुफ्तगू हूं कि ये बारा बुरुज जब अपने अपने महवर में हरकत करते हुए अपनी जगह तब्दील करते हैं तो बहुत से लोगों की जगह तब्दील हो जाती है। ये दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देखने वाले हुक्मरान जो अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं, उनको ये बताने की जरूरत है कि सुपर पावर अल्लाह। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को बताने की जरूरत है कि सुपर पावर अल्लाह है। वो जब चाहे तनाव खींच ले और कोई भी साहिब मुमलिकत जो बैठा हो वो मुंह के बल जमीन पर आ गिरे। फकीर दादी ने नौजवान उठाए।